पास्ता इटली के इस परंपरागत खाने ने भोजन प्रेमियों का मन जीत रखा है। इसे बनाने के लिए मशरूम्स और कैप्सिकम को काट कर अलग रखें। अब एक पैन में एक छोटी चम्मच तेल लेकर थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर को जलने से रोकने के लिए हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ी मैदा डालकर पकाएंगे। ध्यान रहे मैदा लाल ना होने लगे। अब थोड़ा सा दूध लेकर इसे जल्दी जल्दी चलाना है ताकि ये सॉस बन जाए और इसमें गांठें ना पड़ें। सॉस बन जाने के बाद बचा हुआ दूध डाल दें। अब चीज ग्रेट करके इसमें चीज, शिमला मिर्च, नमक और मशरूम्स डालकर मिलाएं। 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम, ब्लैक पेपर पाउडर और स्वीट कॉर्न डालकर मिलाएं और ढककर गर्म होने दें। अब इसमें ड्राइड ओरिगैनो और उबला हुआ पास्ता डालकर मिलाएं और सर्व करें। वीडियोस के इस विशाल जंगल में आप खो ना जाएं, इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल गार्निश एंड सेवर पर सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और साथ बनी घंटी को भी दबाइए ताकि नई स्वादिष्ट रेसिपी अपलोड होने पर आपको उसी समय सूचना मिल जाए। धन्यवाद।